खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों शादी एक ऐसा लड्डू है जो इसे खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है, इसलिए ज्यादातर लोग इस लड्डू को खाकर ही पछताना पसंद करते हैं। दोस्तों शादी हम भारतीयों के लिए कोई त्योहार से कम नहीं है क्योंकि इसमें परिवार और रिश्तेदार आपस में मिलते हैं और नए नए रस्में भी देखने को मिलती है, इसलिए शादी के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए काफी ज्यादा ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी शादियों में कई ऐसे कांड हो जाते हैं जिसको देखने के बाद हर कोई पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाता है, जो बाद में यादगार बन जाती है। शादियों से जुड़े ऐसे ही कांड दिखाने के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है और उसका पहला पार्ट ये है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए जिसमें दूल्हे का भाई दुल्हन की बहनों को इम्प्रेस करने के लिए उछल उछल कर स्टंट करता है, लेकिन अगले ही पल दूल्हे का भाई अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है और लड़कियों के सामने अपना पोपट करवा बैठता है। शादी के दौरान अगर कोई सबसे ज्यादा मजे लेता है तो वह दूल्हे के दोस्त होते हैं। अभी इस वीडियो को देख लीजिए। दुल्हन को वरमाला डालते वक्त दूल्हे का दोस्त उसकी पैंट खींचकर उतार देता है, जिसके बाद भरी महफिल में दूल्हे को शर्मिंदा होना पड़ जाता है। दोस्तों शादियों के दौरान ऐसे ऐसे डांसर की प्रजाति देखने को मिलती है जो डांस इंडिया डांस के मंच में भी देखने को नहीं मिलती। अब जरा नागिन डांस के इस नए वर्जन को ही देख लीजिए जिसमें दूल्हे के दोस्त कीचड़ में लेट लेट कर नागिन डांस करते हैं। दोस्त की शादी में ऐसा हाल है तो अपनी शादी में क्या ही करेंगे। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शादी ब्याह में वरमाला की रस्म को देखना काफी मजेदार होता है, पर कभी कभी इस रस्म के दौरान कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए। अब इसी क्लिप को देख लीजिए जिसमें वरमाला की रस्म के दौरान दूल्हा दुल्हन दोनों ही एक दूसरे को जबरदस्ती तरीके से वरमाला डालते नजर आते हैं, हालांकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को वरमाला नहीं पहना सका। अब जरा इस क्लिप को देखिए जिसमें वरमाला की रस्म तो ठीक से हो गई मगर बेचारे दूल्हे का पैजामा उतर गया। दूल्हा दुल्हन के आंखों में इस कदर खोया हुआ था कि कुछ देर तक उसे अपने पैजामे उतर जाने का भी पता नहीं चलता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इस दूल्हे पर कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाने की कहावत बिल्कुल सही बैठती है। इसमें दूल्हा दुल्हन के बजाय साली को वरमाला डाल देता है और तो और साली को वरमाला डालने के बाद दूल्हा काफी खुश भी नजर आता है। गजब टूबीबाज आदमी। अब इस नशेड़ी दूल्हे को ही देख लीजिए जो नशे में इस कदर धूत था कि वो दुल्हन के जगह दुल्हन की माँ को ही वरमाला पहनाने लगा, हालांकि दूल्हे के दोस्तों ने उसे रोक लिया और दोबारा से दुल्हन को वरमाला पहनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नशे में धूत दूल्हा वरमाला की रस्म पूरा किए बिना ही नीचे गिर गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों अब आप दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने आए इस लड़के के स्वैग को ही देख लीजिए। वैसे शादी में ऐसी हरकत या तो नशेड़ी या तो दुल्हन का पुराना आशिक कर सकता है। खैर आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यो 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 चरस गंगा मेरे को प्यारा। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि दूल्हे के दोस्त शादी में सबसे ज्यादा मजे लेते हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब दूल्हे के दोस्त ने नशे की हालत में एक ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को किस कर लिया। हालांकि लड़के को अपनी इस गलती का पछतावा तत्काल में ही हो गया। पुलिस वाले ने उसी समय लड़के को खींच कर एक तमाचा जड़ दिया था और लड़के पर केस हुआ वो अलग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों पापा की परी परी बनने की कोशिश तो पूरी करती है, वो तो अच्छा हुआ कि ऊपर वाले ने इन्हें पर नहीं दिए वरना ये कब की उड़ चुकी होती। और ये क्या, ऊपर वाले ने पर नहीं दिए तो क्या हुआ, हम तो बिना परों के ही उड़ेंगे। अब तक तो केवल हमारा यही सोचना था कि उड़ने की कोशिश तो केवल पापा की परियां करती है, लेकिन ना भाई ना, मम्मी के मगरमच्छ पापा की परियों से कम है के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आदमी है उसे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने उड़ने की कोशिश की और जो रिजल्ट रहा देखो यार। इस लड़के की हिम्मत को मानना पड़ेगा, इतने जोर से गिरने के बाद भी ये ऐसे डांस कर रहा मानो कुछ हुआ ही नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सफेद कपड़ा ओ, ओ। प्लीज सब करा और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप तक हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।